दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल इंडियंस जॉब एंट्री में। तो दोस्तों, आज हम आपको दयाल बाग के जो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक होता है तो उसकी जो फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानकारी बताएंगे कि उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है और फीस कैसे ली जाती है, आपको कैसे भरनी पड़ती है। ठीक है, सारी जानकारी बताएंगे फीस के बारे में। ठीक है, तो आपसे एक विनती करूँगा, वीडियो को पूरा देखना, फिर आप लोग क्वेश्चन पूछते हो वीडियो पूरा देखते नहीं हो। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम वीडियो में दे देते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक देखना, बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, यहाँ पर दयाल बाग में आपको ये ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, कॉशन मनी और अदर फीस यहाँ पर आपकी ये ली जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ट्यूशन फीस जो होती है आपकी 1390 रुपये होती है। ठीक है, तो इसमें दो तरह की फीस ली जाती है। एक फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फीस अलग देनी पड़ती है, फर्स्ट सेमेस्टर के अलावा जितने भी अदर सेमेस्टर हैं सेकंड से लेके सिक्स तक। ठीक है, सिक्स सेमेस्टर का आपका ये पूरा प्रोग्राम होता है डिप्लोमा का, तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी फीस अलग ली जाती है। तो जो रेड रेड दिख रहा है वो यहाँ पर हमने फर्स्ट सेमेस्टर का इंक्लूड किया है। ठीक है, तो इसमें ट्यूशन फीस ली जाती है 1390 रुपये। ठीक है, जो हर सेमेस्टर में सेम रहती है। और एडमिशन फीस ली जाती है 10 रुपये, ये केवल फर्स्ट सेमेस्टर में ली जाती है। और कॉशन मनी आपकी 300 रुपये फीस ली जाती है, जो कि केवल फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे ली जाती है। ठीक है, और अदर फीस जो आती है आपकी, जैसे अदर फीस की बात कर लें तो उसमें 2750 रुपये आपके पहले सेमेस्टर में ली जाती है और जो 2760 रुपये वो आपके सेकेंड सेमेस्टर लेके पाँचवें सेमेस्टर ये वाली चलती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर इस फीस को हम देखिए 1390 और 2760, ये तो आपकी कॉमन रहेगी। ठीक है, हर सेमेस्टर में देनी ही पड़ेगी। और जो 300 रुपये ये 10 रुपये जी ये आपके केवल पहले सेमेस्टर में ली जाएंगे। और इसको हम एनुअल फीस में भी पता मतलब कन्वर्ट करके बता देते हैं, आपका टोटल होता है 4450 और 4150। तो पहले सेमेस्टर में आपसे ली जाएगी 4450 रुपये। आपको पहले सेमेस्टर में DD के जरिए फीस जमा कराई जाएगी, DD मतलब डिमांड ड्राफ्ट। अभी कोरोना के चलते अगर उसकी सुविधा, वैसे उसकी सुविधा हो जाएगी, अगर नहीं होती तो शायद आपसे ऑनलाइन फीस ली जाएगी। ठीक है, और 4150 आपका ये हर सेमेस्टर जाएगी सेकंड सेमेस्टर से सिक्स सेमेस्टर तक। और एनुअल फीस की बात कर लें तो इसमें जैसे आपका वैसे 8300 पड़ता है आपका पर ईयर का। ठीक है, पहले पहली ईयर का लेंगे, पहले ईयर में आपका 8600 रुपये जाएगा, 4450 + 4150 जोड़ेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर 8300 दिया गया। और जो आपको इसमें पीछे जो कॉशन मनी ली गई है 300 रुपये, ये आपकी थर्ड सेमेस्टर में जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा वो 300 रुपये कॉशन मनी आपके अकाउंट में वापस डाल दी जाएंगे। ठीक है, तो ये है इसका पूरा फीस स्ट्रक्चर। इसके अलावा कोई और जानकारी नहीं। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं और किसी कोर्स की फीस या कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, उसकी भी हम आपको जानकारी दे देंगे एक सेपरेट वीडियो बना के। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना। ठीक है, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल को बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप सभी को हमारी प्यारी भरी राम राम।